बहादुरपुर थाना के 100 गज की दूरी पर ही बिहार सरकार के नशा मुक्ति अभियान को धज्जी उड़ाते एक व्यक्ति को देखा गया। बहादुरपुर थाना व प्रखंड मुख्यालय के गेट के समीप शराब के नशे में मूर्छित अवस्था में घंटों सड़क पर लेटा रहा एक व्यक्ति। सड़क पर कई प्रशासन की गाड़ियां आना जाना लगा रहा, लोग आते जाते रहे, लेकिन किसी ने इसकी सूद लेना मुनासिब नहीं समझा। बता दें कि ये बहादुरपुर की घटना है, जहां प्रखंड मुख्यालय के गेट पर ही शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति सड़क पर ही मूर्छित अवस्था में घंटों लेटा रहा। जो है कहता है मोटरसाइकिल से भी प्रशासन के कर्मी आना जाना हुआ, रोक के सूद लेना मुनासिब समझे कि हाँ, उनको तो यही बुझा कि अब जो है इनका पूछना भी उचित, उनको नहीं समझे कि मरा हुआ है कि जिंदा है कि नशा के हालत में, या क्यों पड़े हुए हैं, ये खोज पर लेने वाले कोई नहीं। कोई सूचना को थाना को इन्फॉर्मेशन कोई किया है क्या? एक बार वहाँ भी गिरे हुए थे, तब पर भी वहाँ के आए हैं, स्वास्थ्य जो है वहाँ भी वो हंगामा किए हैं, हल्ला उला करके आगे यहाँ इतने नफे में थे कि उन्होंने यहाँ के गिरे पड़े हैं। कितने पुलिसकर्मी गाड़ी भी आए हैं, गए हैं, कोई जो है इनका सूद लेने वाले नहीं है। क्या कुछ चीज़ ऐसी नहीं है? क्या ये स्थानीय आदमी है या राष्ट्र के राहगीर है? ये राहगीर हैं, ये लमसम बगले के हैं गाँव का। कैसे पता चला कि ये लोग ये शराब लेते हैं, कुछ ऐसा मालूम? इनका ये हमेशा का रूटीन रहता है, लमसम महीना में 2 बार चार बार हमेशा कभी थाना के सामने ही पड़े रहते हैं। प्रशासन पर कोई पहल नहीं? कौन थाना के सामने है? दरभंगा नगर निगम के सभागार में मनीष कुमार मीना नगर आयुक्त दरभंगा के अध्यक्षता में सफाई कर्मी के साथ बैठक की गई। बैठक में ड्राइवर, सुपरवाइजर, सफाई कर्मी सहित सफाई से जुड़े हुए सभी लोग शामिल हुए। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 पर बल देते हुए कहा कि स्वच्छता के प्रति हम लगातार सर्वे करा रहे हैं। दरभंगा को स्वच्छ, दरभंगा को क्लीन एवं साफ सुथरा बनाना है, इसी उद्देश्य के साथ हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी है। हम सफाई कर्मी पर भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सफाई कर्मी, सुपरवाइजर, ड्राइवर और साफ सफाई वार्ड में करने वाले कर्मी, वह सभी का जिम्मेदारी है। साथ साथ हम सभी दरभंगा वासी को भी यह जिम्मेदारी है कि दरभंगा को साफ सफाई रखें। वहीं उन्होंने कहा कि अब डोर टू डोर कलेक्शन सर्विस को मजबूत करना है, ताकि कचरा वाहन नहीं फेंका जा सके, सुबह में ही घर घर जाकर के कचरा का उठाव किया जा सके और निर्धारित जगह पर कचरा फेंका जा सके, ताकि वार्ड में कचरा कहीं भी इधर उधर फेंका हुआ नज़र नहीं आए, सड़क पर कचरा फेंका हुआ नज़र नहीं आए और लोगों को परेशानी ना हो, और समय पर सुबह सुबह घर से डोर टू डोर कचरा की कलेक्शन किया जाने से साफ सफाई में बहुत ही फायदे होगा। दरभंगा नगर निगम के सभी टीम जोन के ड्राइवर और वार्ड निदर्शक जो कि सफाई के कार्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके साथ बैठक किया गया और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, उसमें दरभंगा नगर निगम की तरफ से और क्या अच्छा किया जा सकता है और क्या बेहतर सफाई के लिए किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। और सभी सफाई कर्मियों को नियमित रूप से घर घर में डोर टू डोर कलेक्शन सर्विस नियमित रूप से देने के लिए निर्देश दिया गया है, और साथ ही सभी जो भी हाउस होल्ड हैं उनको सेग्रीगेटेड बेड्स देने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है,
सर आपने कहा है मॉनिटरिंग के लोन होगा, कब से लोन होगा सर, लोगों की शिकायत ली जाएगी या फिर ये निगम से? समझ रहे हैं, फेडरल कक्ष हम लोग इमीडिएटली हम शुरू कर दे रहे हैं, पब्लिक शिकायत पे तुरंत नगर निगम की तरफ से कार्रवाई करेगा, सेम डे समस्या का निदान जो भी कचरा से संबंधित होगा उसको हम लोग निदान करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए निश्चित रूप से डेडिकेटेड टीम हम लोगों ने बना दिया है और उसका नंबर भी आप लोगों को दे दिया जाएगा, उस नंबर पर सभी लोग उसका सोशल मीडिया पर भी हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, सोशल मीडिया पोर्टल जैसे फेसबुक ट्विटर इन सब के माध्यम से भी कोई भी सिटीजन हमारा शिकायत कर सकता है और की गई शिकायत के आलोक संबंधित नगर निगम का जो भी वार्ड होगा उस पर उसको फॉरवर्ड किया जाएगा और उसके माध्यम से सभी शिकायतों का सह समय निष्पादन करेंगे यहाँ से किया जाएगा। जल नल योजना से बने टंकी से पानी गिरने से आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी, पानी से भींग जाते हैं लोग। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के दिलावरपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में जल नल योजना से बने टंकी से पानी सड़क पर गिर रहा है जिससे आने जाने वाले लोग भींग जाते हैं और उन्हें ठंड के मौसम में भींगने पर परेशानी होती है और जल नल योजना से बने इस पानी से बर्बादी हो रही है। जो पानी लोगों को मिलनी चाहिए पीने के लिए वह सड़क पर गिर रहा है जिससे पानी की बर्बादी भी हो रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। दरभंगा शहर के आयकर चौराहे के समीप ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी के द्वारा अवैध पैसे की उगाही करने का मामला सामने आया है। पुलिस कर्मी के द्वारा नो एंट्री में जाने के नाम पर एक चार चक्के वाहन वाले से 200 रुपया अवैध रूप से लिया गया है जबकि वह नो एंट्री में प्रवेश नहीं किया था, पर वह पहले पुलिसकर्मी से पूछा ही कि टावर जाना है, उससे रास्ते के बारे में पूछा लेकिन उस पर 2500 रुपया का फाइन बोला कि 2500 रुपया लगेगा, किसी तरह 200 रुपया में फाइनल हुआ जिसका तस्वीर हम भी दिखा रहे हैं जहां पुलिसकर्मी अवैध रूप से लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। वहीं एक टेम्पू चालक से भी 2500 रुपया का जुर्माना के नाम पर बताया गया कि आप परमिट नहीं है, इसलिए आप टेम्पू वाले को कहा गया कि 2500 रुपया जुर्माना लगेगा नहीं तो कुछ पैसा दो काम हो जाएगा। 100 रुपया में टेम्पू चालक ने अपना मामले को रफा दफा करवाया। तो इस तरह से अवैध पैसे उगाही का मामला सामने आया है। आयकर चौराहे के पास समीप आज पुलिसकर्मी के द्वारा उगाही करते हुए नजर आया है। अभी ट्रैफिक रोके हुआ था, क्या बोल रहा था? हम दूसरे किसान टावर पे जाना है तो कह रहा है कि मंत्री में कुछ 2500 का चला कर देगा साइड में लगा हुआ है। नो एंट्री में घुसा था गाड़ी? गाड़ी का अभी तो मोड़ पे है, इसी पे मोड़ पे घुसेंगे ना, ये बाहरी आदमी है तो कह रहा। कितना पैसा लिया? 200। मांग कितना रहा था? 2500।
कागजात सब सही है, गाड़ी पेपर सब ओके है। बिहार का पीटी है, प्रदूषण से लगाई, कागज से लगाई, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, हाईवे सब सही है। ये गाड़ी कहाँ कहाँ से आया? ये गाड़ी बलिया से। जाएगा कहाँ? ये टावर से टावर जाएगा। क्या नाम हुआ? हमारा जितेंद्र नाम। अभी आपको ट्रैफिक रोके हुआ था और आपसे क्या डिमांड कर रहा था? 2500 रुपया मांग रहा था वो मुझे। नहीं, खाना ले जाएंगे। खाना ले जाएंगे, नहीं तो 2500 रुपया दो। परमिट नहीं है तुमको? परमिट 16 किलो को बना करके दिया हुआ है। और रिजर्व में जो है से अपना जिला भर तो चल सकते हैं। जिला का परमिट है ना? हाँ, जिला का तो परमिट है। दरभंगा जिला में गाड़ी दिए हैं, यहाँ पर पेपर बनाए हैं, रिजर्व में हम दरभंगा आए मार्केटिंग करने के लिए, उसको लिए जैसे इस तरफ परेशान करता है। कहाँ का गाड़ी है? कहाँ का गाड़ी है? बेनीपुर का। कहाँ आए थे? यहाँ दरभंगा मार्केटिंग करने के लिए आए। क्या नाम हुआ? मेरा सिद्धि यादव। कितना पैसा दिए उसको? उसको 100 रुपया लिया। 100 रुपया जी। किस जगह पे लिया? इनकम पर चौराहे पर। विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में आयोजित 48वें मिथिला विभूति पर्व समारोह के अंतर्गत मिथिला पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मिथिला की धरोहर कला को विकास की पटरी पर दौड़ने में यहां की नारी शक्ति का विशेष महत्व रहा। वहीं इस कार्यक्रम में सहरसा की अर्चना मिश्रा को मिला मिथिला चित्रकला का पहला पुरस्कार। दूसरे नंबर पर पटना की निशिता एवं मधुबनी के नरेश पासवान रहे। सर इसको खोल के दिखाइएगा। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर महिलाओं ने संतान की कामना को लेकर के कमला नदी में लगाया डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के छपरार मठ में कमला नदी में जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु ने डुबकी लगाई। इस बार हिंदी तिथि के मुताबिक 2 दिन पूर्णिमा होने की वजह से लोगों का आना जाना जारी रहा, जिसमें श्रद्धालु ने दोनों दिन डुबकी लगा रहे हैं। वहीं इस बार कार्तिक पूर्णिमा के स्नान व मेले में कोविड-19 संक्रमण का असर भी साफ दिख रहा है, जिसकी वजह से अन्य वर्ष की तुलना में इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या कम नजर आ रही है। प्लस टू सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगा सागर दरभंगा में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर जगदीश प्रसाद गुप्ता प्रधानाध्यापक का आई विदाई हुआ। इस कार्यक्रम में नगर विधायक संजय सरावगी, पूर्व MLC दिलीप चौधरी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। वहीं शिक्षक शिक्षिकाएं भी उपस्थित रहे। शिक्षक डॉक्टर जगदीश प्रसाद को राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक को सच्ची लगन और मेहनत से अपना दायित्व निभाना चाहिए, जिससे बच्चे की भविष्य उज्ज्वल होगा। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षक चाह ले तो सभी प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे और सबसे अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था सरकारी स्कूल में ही होगा। कीजिए पढ़ाई की बात कीजिए, हमारा की चिंता या कुछ मत कीजिए किसी का।
और किसी काम करते करते हमें सफलताएं भी मिली। और मैं जहाँ तक समझता हूँ यदि एक शिक्षक चाह ले तो सारा प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएगा। धन्यवाद। पूर्व MLC दिलीप चौधरी COVID-19 का नियम का नहीं करते हैं पालन, मास्क नहीं पहनते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में कभी भी मास्क नहीं पहनते हुए नजर आते हैं। कई कार्यक्रम में इन्होंने शामिल हुए हैं लेकिन अभी भी COVID-19 का नियम को नहीं मानते हैं, क्योंकि यह खुद जदयू के नेता है और पूर्व MLC है, और इसीलिए यह कोरोना वायरस के जो नियम हैं, सरकार के गाइडलाइन हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। और इससे बड़े बड़े कार्यक्रम में ये गए हैं, कल भी गए हैं, लेकिन यह पालन नहीं करते हैं। शायद इनके लिए कानून नहीं हो, क्योंकि ये खुद जदयू के नेता है और कल भी मंच पर, सार्वजनिक मंच पे ये गए, कार्यक्रम में शामिल हुए और आज भी सर्वोदय स्कूल में कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन यह मास्क का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन शायद ये जदयू के नेता है और शायद इसलिए यह मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये खुद पूर्व MLC रह चुके हैं, अभी भी जदयू के नेता हैं, लेकिन यह दूसरे को कोरोना वायरस फैला रहे हैं। शायद इसलिए कि इन्हें मास्क पहनने में इनका फोटो साफ नज़र नहीं आएगा और लोग नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए यह मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। या फिर इन्हें सत्ता का गुरूर है इसलिए मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं कि आखिर इन्हें कौन जुर्माना लगाएंगे, लेकिन यह कोरोना वायरस को फैलाने में मददगार जरूर साबित हो रहे हैं। आमजनों से अपील करेंगे कि ऐसे नेता से दूरी बनाकर रखें ताकि कोरोना महामारी से बचा जा सके। बिस्फी विधानसभा से भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर का विवादित बयान। दरभंगा में विद्यापति सेवा संस्थान की ओर से मिथिला विभूति पर्व में मंच पर उन्होंने विवादित बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, मजहब सिखाता है कि बात नहीं मानो तो काट दो, रेप करो, बलात्कार करो। तो इस तरह की विवादित बयान एक मंच पर जो है दिए हैं भाजपा के बिस्फी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने। सुनिए क्या कहते हैं। हम गए प्रिंसिपल साहब के चैम्बर में, निकले मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर कर, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान, दुनिया में इसे भी झूठ बात है, कोई इसे भी झूठ बात नहीं है। मजहब खूब सिखाता है बैर मार करना, मजहब सिखाता है कि आपकी बात नहीं मानता है तो काट दो, रेप कर दो, मजहब सिखाता है। लेकिन हमारी संस्कृति क्या सिखाता है, जो पत्थर में भी भगवान है। रेडीमेड जैक्सन लहरियासराय के द्वारा नियम का उल्लंघन किया गया। बंद दुकान के पीछे से शटर खोल करके दुकानदारी करते हुए नजर आए। कैमरामैन और रिपोर्टर को देखते ही शटर डाउन करके दुकानदार यहां से चलते बने। प्रशासन के द्वारा यह शटर डाउन करवाया गया था लेकिन इस नियम का उल्लंघन करते हुए नजर आए। बता दें कि जहां प्रशासन के द्वारा दुकान बंद कर दिया गया था कोरोना महामारी का उल्लंघन करने को लेकर के, उस दुकान के पीछे से शटर खोल करके दुकानदार ने दुकान चालू रखा। आज जब हमारे चैनल के रिपोर्टर वहां पहुंचे तो कैमरा देखते ही शटर को गिरा करके और दुकानदार वहां से चलते बने। बता दें कि जिला प्रशासन के द्वारा दो दिन पहले ही जिला प्रशासन ने जो COVID-19 का नियम का उल्लंघन किए उसमें से कुछ दुकानों को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया था। और खुद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और दरभंगा SSP बाबूराम भी मौजूद थे और दुकान को सील कर दिए थे। लेकिन आज जब हमारे रिपोर्टर पहुंचा दुकान के पास तो दुकान के बाहर से शटर जो है वह बंद था, लेकिन पीछे के दरवाजे से जो है वह शटर खोल करके दुकानदारी कर रहे थे, बिक्री कर रहे थे। जैसे ही हमारे रिपोर्टर का नज़र उन दुकानदार के लोगों पर पड़ा
दुकानदार ने शटर गिरा करके वहाँ से चलते बने। बता दें कि दुकानदार जो है वो अपने आदमी को बाहर में गेट पर ही रखा, दो आदमी रखा हुआ था। जैसे ही हमारे रिपोर्टर का कैमरा बोर्ड पर पड़ा, दुकान पे पड़ा, कि वह इशारा करते हुए वहाँ से शटर लगाते हुए और वहाँ से दुकानदार जो है चला गया। बता दें कि यह रेडीमेड जैक्सन करके दुकान है लहरियासराय में मस्जिद के निकट, जो इस तरह के करते हुए पाए गए हैं। हालांकि इसकी सूचना जब हमारे रिपोर्टर सदर एसडीओ को दी तो सदर एसडीओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना को नज़दीकी थाना को भेजा और मामले की छानबीन में जुट गए। भाकपा माले जोहर व डॉक्टर निर्मल सिंह की सदाहत दिवस पर आयोजित हुआ भाकपा माले का जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन लहरियासराय में। भाकपा माले द्वितीय महासचिव जोहर और कॉमरेड डॉक्टर निर्मल सिंह व कॉमरेड रतन की भोजपुर की क्रांतिकारी जमीन पर आपातकाल के दरमियान नवंबर 1975 में तानाशाह सरकार से लड़ते हुए कुर्बानी दिए। आज सदाहत के 45वें दिवस पर भाकपा माले दरभंगा जिला कमेटी के तत्वाधान में लहरियासराय स्थित भाकपा माले जिला कार्यालय में जिला स्तरीय कैडर कन्वेंशन आयोजित किया गया और शहीद नेताओं के सदाहत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान समय में फासीवादी सरकार से लोहा लेने का संकल्प लिया गया। आज संघर्ष बहुत है, आमने सामने का चल रहा है, किसान लड़ रहे हैं। अभी हम लोग, आप सब लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, 60 साल 70 साल 80 साल के वृद्ध व्यक्ति पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से किसान के ऊपर जो 3 किसान बिल लाए गए हैं उसको वापस लेने के सवाल पर केंद्र सरकार के पास जाने के लिए बेतारू है और 60 70 80 वर्ष के लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि हमारे शरीर का हड्डी तुम तोड़ सकते हो लेकिन हमारे हौसले को तुम नहीं तोड़ सकते हो।